जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा बाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जड़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जिसके द्वारा पुत्र संतान प्राप्ति के साथ साथ हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। उस जड़ के बहुत चमत्कार हैं दोस्तों, उस जड़ के द्वारा तंत्र विद्या में भी बहुत प्रयोग होता है। तंत्र शास्त्र में इस जड़ के विशेष प्रयोग कहे गए हैं। इनमें से कुछ जानकारियां दे रहे हैं, पर उन्हें जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मदार का पेड़ जिसे अकोड़ा भी कहते हैं, आंख भी कहा जाता है, इसमें दो प्रकार के पेड़ होते हैं, एक नीले फूलों वाला और एक सफेद फूलों वाला। नीले फूलों के आग का प्रयोग विशेष करके आप देखा होगा शिवजी पर चढ़ाने के लिए विशेष प्रयोग होता है, जिसे फूल वाले रखते हैं, परंतु सफेद फूलों वाला बहुत दुर्लभ पौधा होता है। सफेद फूलों वाला पौधा अगर घर के अंदर लगाया जाए, आप किसी गमले में, बड़े गमले में लगा सकते हैं, तो घर के अंदर से वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के अंदर जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है, वैसी घर की परेशानियों का अंत होने लग जाता है। घर की सभी तरह की अगर कोई आपके ऊपर, घर के ऊपर टोना टोटका करता है, किसी प्रकार की घर के ऊपर नजर है, धन बरकत नहीं होती, परेशानी आ रही है, तो सफेद आग का पौधा घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए। आप लगा करके देखो सही, इसको लगाने के बाद में आप नित्य प्रति इसमें जल चढ़ा के घी का दीपक जरूर जला दिया करें, नहीं तो धूप बत्ती जरूर दे दिया दिखा दिया करें, इस तरह से करें। कहा जाता है अगर थोड़ी बड़ी जगह हो, 12 वर्ष के बाद में इसकी जड़ों में गणेश जी की मूर्ति स्वतः ही बन करके तैयार हो जाती है, जिसे श्वेतार गणपति कहते हैं। अगर वो मूर्ति उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़ी सिद्धदायिनी मूर्ति हो जाती है। दोस्तों, इस जड़ के द्वारा किस्मत बदल जाती है। अगर इस सफेद आग की जड़ को आप जो निसंतान दंपत्ति हैं, अगर सफेद आग नहीं मिलता है तब नीले आग का प्रयोग कर सकते हैं, पर नीले आग का 90% और सफेद आग का 100% फल होता है, क्योंकि सफेद आग को वरदान प्राप्त है। सफेद आग की जड़ को लेकर के पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में, या शुभ समय पर, या आप शुक्ल पक्ष के सोमवार को या शुक्रवार को लेकर के उस पर सिंदूर लगा करके, लाल कपड़े में लपेट करके, लक्ष्मी के मंत्र और गणेश जी के मंत्रों से सिद्ध करके आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो धन की बरकत होती है। अगर आपके घर पर, व्यापार में, दुकान में नजर लगी हुई है तो उसे काले कपड़े में लपेट करके हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके आप उसे दरवाजे पर लटका देते हैं तो सारे नजर दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर निसंतान दंपत्ति है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो इसी जो है, अगर कोख बंधन है तो काले कपड़े में, अगर पहले से पुत्री हैं, पुत्र चाहते हैं तो उसके लिए लाल या पीले कपड़े में, रविवार कर रहे हैं रवि पुष्य योग में तो लाल कपड़े में, गुरु पुष्य योग है तो पीले कपड़े में, शुक्रवार का दिन है तो काले कपड़े में, इसे कमर में स्त्री धारण कर लेती है तो निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। जिसको गर्भदान नहीं होता उसको गर्भदान होता है, जिसका गर्भ नहीं रुकता, गर्भ पे कोई समस्या आती है तो वो उसकी समस्या ठीक हो जाती है। अगर किसी स्त्री को मासिक परेशानी है तब भी इस जड़ को धारण कर सकती है। दोस्तों, सफेद आग की जड़ के और भी अनेक प्रयोग होते हैं,
उनकी जानकारी हम आगे की वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।